अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पावर शो और मैं हूं उज़्मा खान रूमी। नाज़रीन, मुल्की सियासी सूरत हाल इस वक्त तजब्ज़ुब का शिकार है, बहुत कन्फ्यूजन है आवाम में, खुसूसन जो है वो बहुत कन्फ्यूजन पाई जाती है कि क्या होने जा रहा है। मुल्की मौशी सूरत हाल तो मुसलसल एक ख़राबी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान हैं, वो भी इस पर कुछ ज़्यादा, इस तमाम सूरत हाल पर कुछ ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। इसकी एक वाज़ेह मिसाल हमारे सामने है कि जो कुछ आज पंजाब असम्बली में हुआ। पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया गया था 12 बजे और पैनल ऑफ जो चेयर के जो जो वसीम बादजोई थे उन्होंने जो है इसको चेयर किया, और जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आज का एजेंडा थी आज के इजलास की, लेकिन कुछ तकनीकी बुनियादों पर, क्योंकि जब नाम पुकारा गया जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद की मज़ीद पेशरफ्त करनी थी, जो पेश करनी थी, उनका बार बार नाम पुकारा जाता रहा, लेकिन वो पेश नहीं हुए क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, क्योंकि आज सुबह दरवाज़े असम्बली के बंद कर दिए गए थे। अपोजिशन हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाती रही और हुकूमत जो है वो अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाती रही कि ये दरवाज़े उनकी तरफ से बंद किए गए हैं ताकि जो है वो असेंबली के मेंबर्स पूरे ना हों और तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई ना की जा सके। बहरहाल जो सूरत हाल रही उसमें इन दी एंड जो है वो इजलास में जो तहरीक अदम एतमाद थी जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की, उसमें तकनीकी बुनियादों पर जो है उसको खारिज कर दिया गया, उसको मुस्तरद कर दिया गया, जबकि लीगी रहनुमा जो है वो इस वक्त कह रहे हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद दोबारा पेश करेंगे। कौमी असम्बली की तो सूरत हाल ये होती है कि 6 महीने के अंदर जब अगर एक दफ़ा तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद हो जाती है तो 6 महीने के बाद ही दूसरी तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। पंजाब असम्बली में क्या सूरत हाल रहेगी इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे, साथ ही साथ मईशत की कुछ सूरत हाल जिस पर इत्तेहादियों की मुशावरत इस वक्त जारी है और मज़ीद 2 दिन जारी रहने का इम्कान है, और 2 दिन बाद हम कुछ देख सकेंगे कि मईशत के लिए क्या इकदाम उठाए जाएंगे। बजट भी करीब आ रहा है और मईशत में सुनने में आ रहा है कि मौशी कुछ सख्त फैसले जो है वो लेना होंगे। क्या अब दो दिन बाद हम बता सकेंगे कि क्या होने जा रहा है, क्या सख्त फैसले लिए जाएंगे या आवाम को किस हद तक रिलीफ दिया जाएगा, ये 2 दिन बाद पता चल सकेगा। राना सनाउल्ला का इस हवाले से ये कहना है कि इदारे सपोर्ट करें तो मसाइल से निकल सकते हैं। किस किस्म की वो सपोर्ट मांग रहे हैं इसको भी आज के प्रोग्राम में जो है वो हम शामिल करेंगे। साथ ही साथ वज़ीर आज़म जो हैं वो आसिफ अली जरदारी के से मुलाकात के लिए मॉडल टाउन भी पहुँचे और ये मुलाकात भी हुई। ये एक इस वक्त जो गवर्नर का ओहदा है उस पर भी बहुत सारी जो है वो कश्मकश है, कन्फ्यूजन है, क्योंकि जो सदर साहब हैं वो कह रहे हैं कि उमर सरफराज चीमा ही गवर्नर हैं, नई तकर्री का कोई जवाज़ नहीं बनता, इनके आर्टिकल 101(2) के तहत जो गवर्नर हैं वो सदर की खुशनूदी तक ओहदे पर फाइज रहेगा। चूंकि हालात ख़राब हैं तो सदर का कहना यह है कि इस वक्त जो है वो हमें इस मामले की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए बल्कि गवर्नर जो है वो सरफराज चीमा को ही रहना चाहिए, जबकि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि गवर्नर जो है 10 दिन का मार्जिन दिया जाएगा, 10 दिन के अंदर अगर फैसला नहीं किया जाता तो गवर्नर बलीगुर रहमान साहब जो हैं उनको वो ओहदे का हल्फ उठा लेंगे। ये तमाम सूरत हाल है, साथ ही साथ जो श्री मजारी को गिरफ़्तार किया गया और दूसरे कुछ पंजाब असेंबली के भी कुछ अरकान को की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, तमाम तर सूरत हाल पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शौकत बसरा साहब। शौकत बसरा साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी आपको। साथ ही हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, आपको भी मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून निसार अहमद चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। निसार चीमा साहब, आपको भी मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शौकत बसरा साहब, सबसे पहले तो आज की जो पंजाब असम्बली का इजलास था उसको हमने देखा कि वो एक दफा फिर जो है वो हंगामे की नजर हो गया, तो इस पर क्या स्टैंड है आपका, जो हुकूमत इस वक्त आप पर इल्जाम लगा रही है कि वो जो दरवाजे बंद किए थे वो आपकी तरफ से बंद किए गए थे, इस पर आपका क्या मौके सुन रहा था? देखिए, अभी तक जो कुछ इस हुकूमत जो मौजूदा इम्पोर्टेड और नाजायज हुकूमत है वो सारा कुछ उसकी तरफ से हो रहा है। आप इसको छोड़ दें, नेशनल असेंबली में देख लेना, वहां पर भी उन्होंने क्या किया, वहाँ पे भी गैर आइनी हुकूमत का क्याम है इस वक्त, वहाँ पे भी उन्होंने ज़बरदस्ती सारा कुछ वहाँ पे करवा लिया, और पंजाब असम्बली में भी जो कुछ हुआ, जो वज़ीर आला का इंतखाब हुआ, कभी मैं भी पंजाब असम्बली का मेंबर रहा हूँ, उसमें
पाकिस्तान की तारीख में, पार्लिमानी तारीख में, बल्कि दुनिया में भी कभी ये नहीं होता कि आपकी असेंबलियों के अंदर कब्जा कर ले आके पुलिस, और पुलिस के जरिए आप इलेक्शन करवाएं, और जो चीफ मिनिस्टर का इंतखाब हो वो किसी गैलरी में बैठ के लोग करवा रहे हों, तो वहाँ पर गन पॉइंट पर आप लोगों को इंतखाब जीतें, लोगों पे तशद्दुद करें। अब ये माजी का हिस्सा हो गया। आज देखें आज क्या हुआ था। होना तो यही है ना कि अगर आप तहरीके अदम इत्माद लेकर आए हैं, आप इल्ज़ाम दे रहे हैं कि आज के दिन की बात कर लेते हैं, मुझे बताइए कि इंतजामिया किसके अंडर है। अगर लास्ट टाइम आपने वजीर आला का इलेक्शन धौंस धांधली गन पॉइंट पे जीता और पुलिस ने वहाँ पे आके आपको जितवाया, तो आज क्या वो पुलिस स्पीकर पंजाब असम्बली के अंडर आ गई या तहरीक इंसाफ के अंडर आ गई या असम्बली का कंट्रोल स्पीकर साहब के पास आ गया जिनको आपने नहीं लेती ना। फिर आपको कह रहा हूं, इस वक्त सूबे का, इस वक्त सूबे का जो गैर आइनी गैर कानूनी जो भी है चीफ मिनिस्टर कौन है, पुलिस उनके अंडर है, चीफ सेक्रेटरी उनके अंडर है, वो ऑर्डर उनके ओबे कर रहे हैं। तो आज वहां पर परवेज भाई साहब तो नहीं है। सो आज की जो कार्रवाई है जो प्रेमिसेस के अंदर हुई है, जाहिर है स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ एक तरीके में इत्माद लेकर आए हैं, वो एक वहां से उन्होंने उसके खिलाफ वोट दे दिया। अब अगर ये समझते हैं कि कुछ गैर आइनी हुआ हाउस के अंदर, उसका तरीका कार क्या है, उसकी तशरीह ना मैंने करनी है, ना आपने करनी है, ना मीडिया ने करनी है, ना अपोजिशन ने करनी है। पहले भी चीजें असेंबली अदालतों के अंदर मौजूद है, चले जाए अदालतों में, अदालत अगर कहे कि ये गैर आइनी हुआ है तो हमने कौन सा अदालतों पे चढ़ दौड़ना है। इन दी एंड जो है वो अदालतों को आप मुदाखलत की जो है वो खुद इजाजत देते हैं ना। बात और कह रहा हूं, बात ये कह रहा हूं कि इसको डिटरमिन किसने करना है। हम तो डिटरमिन नहीं कर सकते ना उसको, उसकी आईनी वजाहत जो है या आईनी पोजिशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट मुतय्यन करती है। हमने हाई कोर्ट, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर आईनी था, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, हमने माना उसको, हमने तस्लीम किया। अभी भी कोई फैसला अगर आज की प्रोसीडिंग पंजाब असेंबली के अंदर हुई है हमारे खिलाफ आता है, हम उसको तस्लीम करेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। निसार साहब आप क्या कहेंगे, अभी इस वक्त जो है वो पुलिस राइट नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुलिस तो आपके अंडर काम कर रही है, फिर पंजाब असेंबली के दरवाजे आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं कि जो है वो अपोजिशन ने बंद कर दिया। एक बात ऐड कर लीजिए चीमा साहब, एक बात ऐड कर दूँ, अभी सूरत अलजमा ये है कि पंजाब असेंबली का सेक्रेटरी, पंजाब असेंबली के चार पांच और इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, और आज भी पुलिस ने पंजाब असेंबली के एक सेक्रेटरी को उठाकर अंदर डाल दिया है। तो मुझे बताइए अगर हमारे पास होती चीजें तो पंजाब असेंबली के लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे होते। निसार चीमा साहब देखिए, गुजारिश ये है कि बदकिस्मती हमारी ये है हमारे माशरे की मजमू तौर पर, कि हम जिसके साथ हैं वो फरिश्ता है, जिसके खिलाफ है वो शैतान है, ये हमने साबित करना होता है। हमारे हमारी जो जिनके साथ हैं वो जो चाहे करें उनको हमने जस्टिफाई करना है, हमारे मुखालिफ जो चाहे करें हमने उनको उनकी मुखालफत करनी है। काश कि ये है कि ये हमारा ये कोई वतीरा बदले, हमारे यहाँ ये है कि कोई पॉलिटिकल मैच्योरिटी आए, हमारे यहाँ अखलाकी कदरें जो है वो परवान चढ़े, और हम सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत हम और हौसला पैदा कर सकें। देखें गुजारिश ये है कि बुनियादी चीजें जो है तय हो जानी चाहिए इस मुल्क में। एक ये कि देखें जो पार्लियामेंट में सूबाई हो, असेंबली हो या मरकजी कौमी असेंबली हो, जिसकी अक्सरियत है, जाहिर है कि उसी को हक हासिल है हुकूमत करने का सूबे में और मरकज में। दूसरी बात जो है ये तय हो जानी चाहिए कि आइंदा कोई बद अखलाकी, बद कलामी, बद जुबानी जो करेगा उसके लिए कुछ सजा तजवीज़ होनी चाहिए। ये कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से पिछले चंद सालों में बहुत ज्यादा बदकलामी और बददुआनी का कल्चर जो है उसको फरोग दिया गया है, हत्ता कि ख्वातीन तक को नहीं बख्शा गया। देखें अगरचे पीटीआई की हुकूमत ने हमारे मुस्लिम लीग नून के बेशुमार लोगों को बुला लिया है कि उनको पाबंद सलासल किया, इमरान खान साहब तो DGFIO को बुला बुला के कहते रहे कि फ्रांक को अंदर कर दो, फ्रांक को गिरफ्तार करो, फ्रांक को उसके ऊपर Article 6 लगा दो। लेकिन कल मैं आपको बताऊं कि मैं बिल्कुल, यह है कि मोहतरमा श्री मजारी साहबा को जिस तरह गिरफ्तार किया गया मैं बहुत ही उसको अफसोसनाक समझता हूँ और बहुत गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। देखें बात यह है कि ख्वातीन का एहतराम जो है हर कीमत पे मुलुज खातिर रहना चाहिए, रखना चाहिए। चीमा साहब ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने इस चीज को कंडेम किया। जो इमरान खान साहब ने जो जुबान इस्तेमाल की मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के बारे में, मैं समझता हूँ PTI के सेम एलिमेंट्स को
बिल्कुल आगे बढ़कर उसको कंडेम करना चाहिए और मोहतरम इमरान खान साहब को समझाना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। सही चीमा, चीमा साहब, आपने 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 इस जो शीरी मजारी का जो की जो गिरफ्तारी का अमल था उसको आपने जो है कंडेम किया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो पुलिस जो है वो ऑर्डर्स पर जो है वो हुक्म जो है वो बजा लाती है, तो ये हुक्म किसने दिया पुलिस को? मैं देखें, मैं बिल्कुल वाजे तौर पे कह रहा हूँ कि जिसने भी हुक्म दिया गलत दिया। ठीक ठीक हो गया। फिर आप राणा सनाउल्ला और चीफ मिनिस्टर पंजाब की मुजम्मत करेंगे? आप इमरान खान साहब की मुजम्मत कर रहे हैं ना? जो मेरी पहले मेरी बात का जवाब देने, फिर मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ ना। राणा सनाउल्ला साहब ने कहा है कि ये मैंने हुक्म दिया था। जिस तरह भाई बात सुने, आप में हिम्मत है कि आप डीजीपी को, आप मेरे पे मौका आने दे तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ, उसको अंदर करें, उसको आर्टिकल 6 लगाए, उसको गिरफ्तार करें। और डीजीपी ने खुद कहा कि इमरान खान को कंडेम करते हैं। चीमा साहब, जब मैंने सवाल किया आपने जवाब नहीं दिया, उल्टा मुझे, मैं कहता हूँ मेरी बारी में मुझे सवाल कीजिएगा। निसार साहब पे जवाब देता हूँ। आपकी क्या बात करूँ, ब्रिगेडियर साहब से मुझे सवाल लेने दे, उसके बाद जो है वो मैं बसरा साहब की तरफ आऊंगी, बसरा साहब से आपके सवाल का ही जवाब ले लेंगे। ब्रिगेडियर साहब, ये सारी सूरत हाल जो आज पंजाब असेंबली में रही, इस पर आप जो है वो क्या राय देना चाहेंगे कि ये क्या मामला चल रहा है और ये किस तरफ को जा रहे हैं हम? उस्मान देखें, एक तो बात यह है कि ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि अवाम अपने नुमाइंदे, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली हो या नेशनल असम्बली हो, क्या इस तरह भेजते हैं कि आपस में लड़ाई झगड़े करें और अवाम के खिलाफ वो कोई काम ना करें, ना लेजिस्लेशन करें। और पिछले 2 महीने से मेरे ख्याल में ज़्यादा हो गए हैं, पंजाब असम्बली डिसफंक्शनल है। इसी तरह कुछ अर्सा पहले सेंटर में था, तो उसके बाद फिर सब कहते हैं जी कि हमें कहीं से सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट की हो तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। व्हाई यू वांट टू नीड सपोर्ट ऑफ अ एस्टेब्लिशमेंट? अगर आपकी गवर्नेंस अच्छी है, आपकी डिलीवरी अच्छी है, आप अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से लोगों को डिलीवर करते हैं, तो देयर इज नो रीजन कि कोई अवाम आपकी तरफ ना देखें, वो क्यों किसी और की तरफ देखें? और यही हमें सोचना चाहिए। आज जिस तरीके से पंजाब असेंबली का हाल था, चाहे ये पुलिस, जो मेरा अपना अंदाजा यही है कि ये पुलिस क्योंकि कंट्रोल में है चीफ सेक्रेटरी और आईजी के, और वो चीफ मिनिस्टर पंजाब हमजा शहबाज हैं मोस्ट लाइकली, ये बट आई एम नॉट वेरी श्योर। और ये दोनों पार्टियों को पता होगा किसने किया क्या किया, लेकिन ये दुनिया क्या देख रही है, अवाम क्या देख रही है और अवाम इसके उनका रिएक्शन क्या है, यही वजह है कि इस वक्त एक माहौल बना हुआ है। वो एक तो एक दूसरे के खिलाफ बात करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आई पर्सनली भी इलेक्शन की तरफ, और होना भी इसलिए चाहिए कि इसका मुझे नहीं कोई एंड लगता। एक एक वोट के ऊपर अगर आपकी हुकूमतें खड़ी हुई हैं, ना आप कोई बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं, ना आप अनपॉपुलर डिसीजन ले सकते हैं। मुआशी हालत हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, हर रोज़ हम खुदा न खास्ता एक मुआशी बदहाली की तरफ चलते जा रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं हल है, किसने इसको कंट्रोल करना है? अगर पीटीए की कम, अगर इस वक्त जो शायद यह इनकी हुकूमत है पीएमएलएन की, अगर ये बोल्ड और अनपॉपुलर डिसीजन लेते हैं, उनको जाहिर है कि दे नो इट कि उनको इलेक्शन में बड़ा नुकसान होगा। नहीं लेते हैं तो मुल्क एक मुआशी बदहाली की तरफ जाता है। देयर इज अ वे टू फाइंड सम सॉल्यूशन, और इसका बेस्ट तरीका यह था, आई स्टिल फील के पीटीआई की हुकूमत है, ये सॉरी इनकी पीएमएलएन की हुकूमत है, इनको चाहिए कि इनिशिएटिव लें, इनवाइट एटलीस्ट पीटीआई के मेंबर्स को, जी आए बैठे, क्या चाहते हैं? इलेक्शन चाहते हैं, आप इलेक्टोरल रिफॉर्म करने हैं, आपने उसके बाद ईवीएम्स की बात करनी है, वट एवर यू वॉन्ट, एटलीस्ट इनवाइट। मैक्सिमम क्या होगा, द पीटीए मेंबर विल से इमरान खान के नहीं आते, एटलीस्ट यू आर ऑन स्ट्रॉन्ग विकेट। हमने कोशिश की, अवाम को भी ये पता चल जाएगा जी देखें हुकूमत ने कोशिश की और वो नहीं आए। या हो सकता है इमरान खान कहे ठीक है जी मैं नहीं आऊंगा, मैं अपनी एक कमेटी स्ट्रॉन्ग अच्छी टीम भेज देता हूँ, बैठ के बात करें, ताकि अवाम को ये पता चले कि दे हैव अ कैपेसिटी अपने लेवल के पॉलिटिकल पार्टी के अपने मैटर्स को रिजॉल्व करें बजाय अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाएंगे। निसार चीमा साहब ने ये सवाल किया था। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इसी सवाल के जवाब पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, वहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शौकत बसरा साहब, क्या आप इमरान खान साहब के खिलाफ अगर स्टेटमेंट देना पड़ी तो आप देंगे? उज़्मा, वो कहते हैं ना, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा,
बड़ी एक तलख तारीख है हमारी, और इसका भी क्रेडिट माशाल्लाह चीमा साहब अगर लाइन पे हैं तो मैं पीपल्स पार्टी में भी रहा हूँ, उज़्मा ये नहीं होना चाहिए, खा कोई भी करे, ये अच्छी रवायत नहीं है। माएँ बहनें बेटियाँ सबकी साझियाँ होती हैं। नुसरत भुट्टो साहबा और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद, न्यूड फोटोग्राफ्स उनके जहाज़ों से गिराने का एजाज़ माशाल्लाह चीमा साहब और उनकी क्यादत को हासिल है। इससे आगे चलें, यहाँ पर रिहाम खान उसके खिलाफ क्या क्या नहीं, उसने जब किताब इन्होंने लिखवाई और उस पर क्या क्या शादियाने नहीं बजाए गए, मुझे बताइए। जमायमा खान जो एक वाइफ थी सर आपको छोड़ के मुसलमान हुई, उसके साथ इन लोगों ने क्या किया। फिर उससे आगे चले जाएं, मैं रिसेंट आ जाता हूँ, बुशरा बीबी जो खान साहब की मिसेज हैं, वो तो नॉन पॉलिटिकल हैं, उनके मुतल्लिक जो वर्ड्स इनकी क्यादत से लेकर इनके तमाम स्पोक्स पर्सन ने अदा किए, कम अज़ कम मैं तो ये समझता हूँ कि एक कुछ, मैं सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूँगा कि क्या क्या उनको नहीं कहा गया, लेकिन इसके बावजूद आज इनको एक खान साहब का फिक्रा, मैं समझता हूँ उन्होंने कोई, आप देखिए ना, आप इनके तमाम निकाल लीजिए, क्या क्या खान साहब को सोशल मीडिया पर हर चीज़ वायरल है, गालियां तक खान साहब को इन लोगों ने दी हैं, खान साहब खामोश रहे। आखिर हर आदमी का एक, मैं समझता हूँ, पैमाना लबरेज होता है सब्र का, उन्होंने एक लाइटर मूड में बात की जो मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आप इनको सिर्फ मैं इतना कहूँगा, कभी आप अब हुकूमत हैं बातें ना करें। आप कह रहे हैं हमारे इनके फलां रिकॉर्ड मौजूद हैं, फलां रिकॉर्ड मौजूद है, भाई कार्रवाई करें ना, आज तो हुकूमत में है। दूसरी बात मुझे कर लीजिए इनके साथ, अभी इन्होंने कहा कि जी पार्लियामानी मामला होने चाहिए, भाई किसको सिखा रहे हैं आप लोग, तो इस वक्त जो डॉक्टर श्री रहमान डॉक्टर श्री मजारी साहब वाली बात कर रहे हैं, मेरे भाई राणा सिन्हा ने ओन किया, मैंने उठवाया है, एंटी करप्शन किसके अंडर है, चीफ मिनिस्टर के अंडर है, और कब का मामला ये उसमें आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी, 6 साल की थी डॉक्टर श्री मजारी जब ये इशू टेकअप हुआ था, उस वक्त के बाद आज टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बावजूद चले वो तो कोर्ट ने सारा कुछ कर दिया खत्म, जुडिशियल कमीशन भी बना दिया, इसके ऊपर ये करते ना, लेकिन जो FIR हुई थी ना वो बुज़दार साहब की, देखिए ना FIR होना इशू नहीं है। अच्छा मैं थोड़ा सा चीमा साहब वकील है, जब एंटी करप्शन की FIR होती है ना उससे पहले क्या होता है, आप नोटिस करते हैं, नोटिस करके बुलाते हैं कि आप आए, आपके खिलाफ ये इश्यूज मौजूद है, ठीक हो गया, ये आपने कोई किया या नहीं किया, इन्होंने FIR हो गई ना, FIR हो गई। अब FIR के बाद अगर आप किसी खातून को, कल वो फुटेज चल रही है उसमें किस तरह ड्रैग करके आप उनको बुलाएं आपने कि ये FIR दर्ज हुई है, प्री अरेस्ट बेल ले लें। अब मैं आपको बता दूं ख्वाजा आसिफ की मिसेज वालदा हैं, बात नहीं कहनी चाहिए उनके खिलाफ। आप जो कह रहे हैं कि उससे पहले FIR से पहले जो है वो नोटिस भेजा जाना चाहिए था, दुरुस्त बात है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो उस वक्त बुज़दार साहब की हो गई ना, भेजा जाना चाहिए था। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी FIR दर्ज होने के बाद, चूंकि उसके अंदर कहीं भी डॉक्टर श्री मजारी साहबा का नाम मौजूद नहीं है, FIR मंगवा लें आप। दूसरी बात, ख्वाजा आसिफ साहब की वालदा हैं, उनके खिलाफ दर्ज है एंटी करप्शन में FIR, हमने तो नहीं उठवाया। बात यह है कि ये कल का कंपैरिजन कर रहे हैं जी, मरियम बीबी को उठवाया गया फलां को, एक प्रॉपर इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशंस हुई, GIT बनी, प्री अरेस्ट बेल लिए लोगों ने और फिर जाके ये अरेस्ट हुए। सो इस मामलात को आज भी हम कहते हैं कि आप सियासत को सियासत के हद तक रखें, हमारा पुरअमन हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, कल से आप देख लें ये जो गिरफ्तारियाँ हैं, ये सीरीज ऑफ गिरफ्तारी उन्होंने लिस्टें बनानी शुरू कर दी हैं, लेकिन आपका क्या ख्याल है, ये तो ईंधन फ्राहम करेंगे चीमा साहब, ठीक हो गया, ये वो जमाना नहीं रहा, और ये जेलें, ये हथकड़ियां, ये पुलिस के रेड, इनसे घबराने वाले नहीं है। चीमा साहब इंपोर्टेड हुकूमत को जाना पड़ेगा, चीमा साहब इलेक्शन कराओ, पाकिस्तान बचाओ। अच्छा जी, देखें मैं गुजारिश ये है कि मोहतरम शोकत बस्तर चीमा साहब इलेक्शन की तो करा रहे हो, जितनी भी बेबुनियाद बातें करें मैं उनके दरमियान, उनकी बात के दरमियान बोलता नहीं हूँ जी, इसलिए उनको भी इसका मुजाहरा करना चाहिए, ये कम अज कम बुनियादी एटीट्यूड। पूरी बात सुनूंगा चीमा साहब, पूरी बात करें तो बीच में ना बहुत दखल दिया जाए। जी श्योर, आपको गुजारिश ये है के मोहतरम शौकत बस्तर साहब ने बिल्कुल सही वो शेर पढ़ा कि याद माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, क्योंकि उनके हाफजे में वो चीज़ें महफूज हैं जब वो इमरान खान साहब के बारे में वही जुबान इस्तेमाल करते थे जो आज वो जो है वो जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के बारे में इस्तेमाल करते हैं। जब ये पीपल्स पार्टी में थे तो उस वक्त जो कि जरदारी साहब के हक में जो है कि जमीन आसमान की कलाबे मिलाते थे, आज वही जुबान जो है इमरान खान साहब के हक में वो
खुश आमदाना लहजा और लबो लहजा और अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। सही, निसार चीमा साहब इल्जाम तो चलते रहते हैं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो ब्रिगेडियर साहब ने की थी, उन्होंने कहा था कि आप बड़ेपन का मुजाहरा करें और पार्लियामेंट में इनको दावत दें और इनसे कहें कि भाई आप आके बैठें, और अगर वो फिर नहीं बैठते तो उनकी क्रेडिबिलिटी ऑब्वियसली वो खराब होगी। तो आप उनको इन्वाइट करें, उनसे कहें कि मुल्की मफाद में, मुल्की वसीतर मफाद में आए और बैठे और फैसले करें। 100% इत्तफाक करता हूँ और हम ये है कि बिल्कुल उनको दावत देते हैं, वो तशरीफ लाएं। मैं ये है कि अपनी पार्टी बिल्कुल ये है कि मुझे यकीन है मेरी क़यादत भी मुझसे इत्तफाक फरमाएगी। मैं ये कि उनको दावत देता हूँ, वो तशरीफ लाएं, हम मिलकर ये है कि जो इंतखाबी इस्लाहात है वो भी अमल, हम ये है कि मिलकर वो पूरा करें। उनकी तजावीज जो मुस्बत होंगी और हम इंशाल्लाह उन पर ये पूरी तरह गौर करेंगे, हम मिलकर इंतखाबी इस्लाहात तक का अमल तय करें और फिर यह कि मिलकर एक ऐसा निज़ाम वज़ा करें कि इंतखाब इस तरह का हो, शफाफ तरीके से, आजादाना मुनसिफाना तरीके से, कि उसके नतीजे पे कोई उंगली ना उठा सके। सही, बहुत बहुत बड़ी खूबसूरत बात की आपने, और जो सियासतदान है उनको ये चाहिए कि इंटरफेरेंस का मौका ना दिया जाए। जो बाद में आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि इंटरफेरेंस हो रही है, लेकिन जो इन द फर्स्ट प्लेस जो सियासतदान है वही जो इंटरफेरेंस है, चाहे वो अदालती हो चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट की हो, तो जो है वो बाद में उसको कंडेम करते हैं और बाद में उस पर उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस उनको चाहिए कि इस तरह के जो इस तरह के मौके फराहम ना करें। ब्रिगेडियर साहब, मईशत पर इत्तेहादियों की मुशावरत जारी है, लेकिन जो राना सनाउल्ला साहब हैं वो कह रहे हैं कि इदारे सपोर्ट करें तो मसाइल से निकल सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हुकूमती इत्तेहाद है वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की जमानत का मुंतजर नज़र आ रहा है, तो सियासतदानों की क्रेडिबिलिटी फिर कहाँ नज़र आती है? फिर तो अवाम में ये तासर जाएगा कि भाई सियासतदान ये चाहते हैं कि भाई इन दी एंड जो है वो फौज ही सारे फैसले करे, एस्टेब्लिशमेंट ही सारे फैसले करे, तो फिर सियासतदान किस काम के? उज़्मा, यही मैं बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जब एक एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि हम अक्टूबर ऑनवर्ड कि दे आर नॉट इंटरफेयरिंग, और आई थिंक इसकी गवाही तो PMLN प्रॉपर देके दे सकती है और PTI को भी मालूम है। अब वाई यू वांट टू ट्रैक? DGI पे ने बड़ी दफ़ा ये बात की है कि हमें मत ट्रैक करें, अब अपने मसाइल खुद करें। आप जब आ रहे थे, मैं हमेशा ये चैलेंज पे कहता था, जब PDM को डिसाइड करे कि हमने ओवर कॉन्फ्रेंस लिए हैं, तो मेरा सवाल उनके यही होता था कि आपके पास इसका सोल्यूशन क्या है? डू यू फील कि आप आके अवाम को वो रिलीफ देंगे जो PTI नहीं दे सकी? क्या आप प्राइस की पेट्रोल और डीजल प्राइस कम कर लेंगे? आप डॉलर की प्राइस कम कर लेंगे? आप अवाम चीज़ें सस्ती कर देंगे? आपको जो इस वक्त एक इकोनॉमिक क्राइसिस है वो हल कर लेंगे? आपकी दूध की नहरें बहा देंगे और आप आसमान से ताड़े तोड़ लेंगे? अगर तो है बिल्कुल ठीक है, PTI इज नॉट डिलीवरिंग, आपको आना चाहिए। अदरवाइज आप अगर 4-5-6 महीने और रुक जाते तो आपके सामने नजर आता है कि PTI वॉज अवाम थोड़े चेंचे ये डिलीवर प्रॉपर नहीं कर रहे थे और अवाम इनको काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो PMLN को अगले इलेक्शन में बहुत फायदा होना था। आपने तमाम इनिशिएटिव, तमाम फायदा आपने उनको 186 शहीद अपने को वो कह रहे हैं, प्लस जो और नैरेटिव है वो उनका नैरेटिव आसमान पे चला गया। आपका काउंटर नैरेटिव क्या था? अवाम को रिलीफ दें, आप अवाम को खुश करें, आप डिलीवर करें, आप आए 2-1.5 महीने गुजर गए हैं आपने, या आप कि आपको इलेक्शन में आप नजर आ रहा है कि अगर इलेक्शन अभी आप कीमत बढ़ाएंगे, आप डिफिकल्ट डिसीजन लेंगे, आई मैं वर्ल्ड बैंक की बात मानेंगे, तो आपको इलेक्शन बढ़ा तक जो नजर आ रहा है प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मुल्क का तो कसूर नहीं है ना, पाकिस्तान के अवाम में तो कसूर नहीं है। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन आई थिंक नाउ ऑनेस्टली आई फील कि इस स्टेज के ऊपर, जबकि अभी इमरान खान पूरी तैयारी, आज जैसे बसा जब बात करें, हम सबको मालूम है कि आज उनकी एक कोर कमेटी बैठी हुई है, व्हाट दे डिसाइड लॉन्ग मार्च करते हैं। कैन वी अफोर्ड इस वक्त इनस्टेबिलिटी मुल्क में, अनस्टेबल गवर्नमेंट, उसके बाद उसकी रेट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, डू अंडरस्टैंड जिस एनवायरमेंट पे आए हैं, और PMLN के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो इन एनवायरमेंट के अंदर इधर मौशी हालात खराब हैं, उधर इमरान खान का प्रेशर, क्या मुल्क हम इसको मुतामिल हो सकते हैं? आई थिंक इसलिए आज के फैसले में दोनों पार्टी को डिसाइड करना चाहिए कि हमें क्या मुल्क के लिए करना है, जो बेहतर है वो डिसाइड करें। बजट इज कमिंग, बजट में एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कभी भी स्ट्रॉन्ग डिफिकल्ट डिसीजन नहीं लेगी, इसलिए उनको अपना इलेक्शन नजर आ रहा है। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आई स्टिल फील ऑनेस्टली कि इस वक्त जनरल इलेक्शन अनाउंस हो, इंटरिम गवर्नमेंट और केयर टेकर आए, वो बजट अनाउंस करें, बिकॉज देन दे डोंट हैव टू फाइट एनी कंटेस्ट इलेक्शन, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना।
इसलिए वो बोल्ड और अनकवर डिसीजन ले सकते। लेकिन ये जो निगरान हुकूमत है उसके दायर इख्तियार में नहीं आता कि वो बजट पेश करें। बिल्कुल कर सकते हैं, वो बजट भी पेश कर सकते हैं, दे एंजॉय द सेम अथॉरिटी, वो आई में वर्ल्ड बैंक से भी बात कर सकते हैं, वहाँ जाकर डिसाइड भी कर सकते हैं, कीमतें भी बढ़ा सकते हैं, आवाम को कड़वा ढूंढ पीना पड़ेगा, उसके बाद वो उनसे निगोशिएट भी कर सकते हैं कि जी ये आपकी कंडीशन देखे हमने पूरी कर दी है, नाउ गिव अस जो हमारे रिटर्न में आपने हमें लोन देना है और हम तक इसको प्रोवाइड करें, एवरीथिंग कैन बी डन। तो इसलिए ये मुल्क के लिए बेहतर है, हमें इसमें अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, मुल्क के वसीतर मफाद में जो है जितने भी फैसले हैं वो मुल्क के वसीतर मफाद में किए जाने चाहिए। इंतखाबात का मुतालबा किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से, तो मुसलसल किया जा रहा है। इस वक्त हुकूमती इत्तेहादी भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो बेहतरीन ऑप्शन है इस वक्त इंतखाबात ही हैं। इस पर बात करेंगे हम एक ब्रेक के बाद, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर इसी टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदीद नाज़रीन। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो मुसलसल इंतखाबात का मुतालबा कर रही है। हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि इंतखाबात हो जाएंगे जब भी हों, बजट के फ़ौरन बाद हों, अक्टूबर में हों, तो बजट तो आ जाएगा लेकिन जो है इंतखाबात भी हो जाएंगे, तो इंतखाबात के बाद उनके पास क्या नया है? शौकत बसरा साहब, आपके पास ऐसा क्या नया है कि जो आप पिछली गवर्नमेंट में नहीं कर सके, वो इंतखाबात के फौरन बाद जो है, अभी एक डेढ़ महीना हुआ आपकी गवर्नमेंट ख़त्म किए हुए हुए, और तो आप जो है वो ऐसा क्या नया करेंगे कि जो तमाम मामला जो हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाए? अभी एक बहुत अहम सवाल है आपका, लेकिन अभी निसार चीमा साहब ने एक बात कही थी कि पार्लियामेंट में आ जाए। देखिए इस वक्त इनफैक्ट पाकिस्तान पे फरंगी हुकूमत का राज है, फ्रंगियों की हुकूमत है, और ये जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया था, तो इनसे एक इंपोर्टेड हुकूमत जो एक एजेंडे के ज़रिए आई, साजिश के ज़रिए आई और इन्होंने आकर कब्ज़ा कर लिया, तो इनसे मुज़ाकरात किस बात की? मुज़ाकरात देखिए कौम ने फैसला सुना दिया, खान साहब जब निकले इन्होंने तो कहा था खान साहब को गंदे अंडे पड़ेंगे, ये अवाम में जा नहीं सकते। तो पूरे पाकिस्तान में कम से कम मैं बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर उज़्मा इतनी बड़ी मूवमेंट शेख ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को मैंने नहीं देखा, मैंने कम से कम अपनी लाइफ में भी नहीं देखी लोगों के अंदर जो गुस्सा है, जो लोगों के अंदर इनके खिलाफ नफरत है, तो उसका वाहिद एक हल है, यानी लोग परफॉर्मेंस भूल गए हैं। नहीं मैं देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हम कोई दूधर शायद की नहरें बात ही हैं, मैं उसका हम क्या मांग रहे हैं? तो यही कहते थे ना कि मौजूदा असेंबली फ्रॉड है, मौजूदा असेंबली जो है, चले चले आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपके आपके दौरान बात आपकी तरफ आ रहा हूं, आपकी बात पे आ रहा हूं, लेकिन ये कि आपके पास अब क्या नया है? यही बात आपको कह रहा हूं कि उसका पैरामीटर क्या है? पैरामीटर है कि अवाम फेयर एंड फेयर इलेक्शन करवाए, अवाम जिसको मैंडेट दे दे वो आकर अपना बताए कि क्या करना है। इन लोगों ने तो ये हमारे खिलाफ आपको पता है महंगाई मार्च किया था डेढ़ महीना पहले, उसके बाद क्या हुआ? डॉलर कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ चला गया, बिजली गायब हो गई। अच्छा हमारे पास क्या है? अगर हम अगर इंतखाबात जो है हो जाते हैं तो उसके बाद अगर इक्तदार में वापस ये आ जाते हैं तो फिर आप पार्लियामेंट में इनके साथ ही बैठेंगे? कौम ने फैसला देना है ना, ठीक हो गया, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने, हम आए पार्लियामेंट में बैठे, जिसको कौम देती है मैंडेट वो आकर अगले फैसले करें अपने। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो इस वक्त इंस्टेबिलिटी हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और उसी वजह से हमारी जो जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो भी नहीं आ पा रही है, तो अगर लॉन्ग मार्च होता है और इसी तरह से जो इमरान खान साहब हैं वो लोगों को सड़कों पर लेकर आते हैं और ये तमाम सूरत हाल अगले चंद महीनों तक जारी रहती है, तो फिर तो हम ये जो पोलिटिकल स्टेबिलिटी है ये तो देख ही नहीं सकते। इसका मतलब इन दी एंड हम जो इकोनॉमिक कंडीशन हैं उनको भी बेहतर होते नहीं देख सकते। क्या इस वक्त आप देखते हैं कि क्या सियासतदानों को किस समझदारी और संजीदगी का मुजाहरा किया जाना चाहिए सियासतदानों की तरफ से? उस्मा इस वक्त सबसे ज़रूरत है कि मेच्योरिटी शो करें, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत शो करें, उबलबती शो करें, अवाम का ख्याल करें, और सबसे बेहतर यही है कि इस वक्त दोनों पार्टी मिलकर, आई थिंक PMLN भी चाहती है इलेक्शन में जाना, मौलाना फजलुर्रहमान भी चाहते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम इज के पीपल्स पार्टी, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब ने सारी ये मेनूर की है, उन्होंने सारा ही लोगों को बिठाया, जो भी वोटर कॉन्फिडेंस में काम करना था कर लिया। अब प्रॉब्लम ये कुछ वादे वहीं किए हैं उन्होंने दूसरी पार्टीज के साथ, ये प्रॉब्लम ये है कि दे वांट टू गो टू लाहौर, लाहौर में बैठ के वो अपना रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, बिलावल भुट्टो जाएंगे, पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेंगे, रीस्टैब्लिश करेंगे, जाले नाराज उनको ठीक करेंगे, दे वॉन्ट कम अज कम 10 से 15 MNA की सीट्स पंजाब के अंदर, सेंट्रल पंजाब में, क्योंकि सदरन पंजाब में उनको फिर भी सीटें मिल जाती हैं, सिंध में भी वो मौजूद हैं, KPKP में थोड़ी सीटें हैं, बलूचिस्तान में भी कैन मैनूवर, तो ही विल बी स्ट्रॉन्ग कोलिशन पार्टनर बनना चाह रहे होंगे। ये वजह जिसकी वजह से वो कह रहे हैं जी कि आप अभी इलेक्शन नहीं करो, उनका बेटा भी फॉरेन मिनिस्टर बने,
इवान के वो भी कुछ अर्सा रहे, दैट इज अ बेसिक हर्डल। बट मुल्क के वसी तर जो है ना इंटरेस्ट के अंदर ये जरूरी है इस वक्त ये डिसाइड कर लें। और आप ये बताएं कि अगर इस्लामाबाद में आते हैं खुदा न खास्ता वहां पर कोई दहशतगर्दी हो जाती है, इंतशार फैल जाता है, उसके बाद पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती है। दुश्मन का नैरेटिव क्या, फिफ्थ जनरेशन वॉर में एनिमी का नैरेटिव तो यही है किसी तरीके से भी जो पाकिस्तानी फौज का और आवाम का एतमाद आपस में है, जो प्रोफेशनल फौज है दहशत खत्म की है, किसी तरीके से इसको कमजोर करो। और ये बेस्ट हाइब्रिड वॉर हमारे पास एक इस वक्त शामिल हुई हुई है, हमें अटैक किया हुआ है, वहां पर पुलिस नहीं कंट्रोल करती तो व्हाट नेक्स्ट? आप ये सोचेंगे हमें एंड देखना है कि कहाँ जाके एंड होता है। इट इज वेरी डेंजरस सिचुएशन, इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं लचक दिखानी चाहिए। और इसमें आई स्टिल फील अगर ऐसी चीज आती है तो एस्टेब्लिशमेंट मस्ट कम इन, दे हैव टू टेल बोथ द पार्टीज, मेक देम सेट एंड उनसे डिस्कस करें और जो भी एक प्रॉपर रैशनल तरीका होता है उसके मुताबिक जनरल इलेक्शन के लिए जाएं ताकि ये एक अनसर्टेनिटी खत्म हो, अवाम जिसको चाहते हैं सिलेक्ट करें और उसके बाद उन नतीजे को एक्सेप्ट भी किया जाए, उसमें फिर पार्लियामेंट में भी आ जाए, अपने अपने मैनिफेस्टो अवाम को बताएं आपने क्या किया, क्या करना चाहते हैं, लेट और ट्रांसपेरेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। एनीबडी हू कम्स आई थिंक दैट इज द राइट टू हैव गवर्नमेंट फॉर 5 ईयर्स। सही, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद थे। शौकत बसा साहब बहुत शुक्रिया, निसार अहमद चीमा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सियासतदानों पर इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, उनको बहुत संजीदगी और समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए और उनको चाहिए कि वो मिल बैठें और मुल्क के मफाद का इस वक्त सोचें, क्योंकि अवाम उनकी तरफ इस तरह देख रही है कि वो मुल्क के मफाद में सोचेंगे, जो सियासतदान हैं वो उनके मफाद में सोचेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।